तो बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये लड़ाई और भी दिलचस्प होती जा रही है। बंगाल की राजनीतिक लड़ाई फुचके और लूची पर आ गई है। ममता बनर्जी ने अमित शाह को लूची और फुचके पर एक चुनौती दी थी। ममता ने कहा था कि फुचका खाने की क्षमता नहीं है और लूची खाने चले। इसके बाद हमने बंगाल के लोगों से बात की, उनसे पूछा कि बंगाल में कौन लूची है और कौन फुचका है, चुनाव में कौन जीतने वाला है, लूची या फुचका। आप सुनिए लोगों ने क्या कहा। बंगाल के लोगों को ज्यादातर पसंद है फुलका लूची। लूची अच्छा है, लूची बेस्ट है, फुचका कलकत्ता का तो फुचके फेमस है। फुचका बहुत अच्छा लगता है, फुचका ज्यादा अच्छा लगता है। लोकल लूची हर साल फेमस। लूची और फुचका दोनों को कढ़ाई में तला जाता है। लूची सुबह के नाश्ते में खाई जाती है तो फुचका शाम के स्नैक्स में लोगों का फेवरेट है। खाने पीने और स्वाद की बात हो तो पश्चिम बंगाल में लूची और फुचका के बीच तगड़ा मुकाबला है, लेकिन राजनीति में अगर लूची और फुचका का मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा, ये सवाल आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में खूब गूंज रहा है। और इसकी वजह है ममता बनर्जी की ये चुनौती जो उन्होंने अमित शाह को दी है। फुचका खावार क्षमता नहीं, फुलको लूची खावे। फुचका खावार क्षमता नहीं, फुलको लूची खावे। जब ममता बनर्जी ने अमित शाह को फुचके पर चुनौती दे ही दी है तो हमने भी सोचा कि पश्चिम बंगाल के लोगों से जाना जाए कि फुचका खाना ज्यादा पसंद है या लूची, लूची और फुचके के मुकाबले में कौन जीतेगा। इन सवालों के साथ हम लूची की एक 15 साल पुरानी दुकान पर पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में लोग लूची का आनंद ले रहे थे। ऐसे में हमने सबसे पहले लूची के दुकानदार से बात की। चूल्हे पे खोल रहा है तेल और यहाँ पर गरम गरम जो है लुचिया तली जा रही है। लुची यानी कि पूड़ी, बांग्ला भाषा में लुची कहा जाता है। और फुलको लुची वो पूड़िया होती है जो इस तरह से फूलती है। बंगाल के कल्चर में ये लुची इस तरह से बसा है कि हर रोज लोग जब सुबह उठते हैं तो नाश्ते में लुची खाना पसंद करते हैं। लुची लोग ज्यादा खाता है सुबह, बंगाल में नाश्ता करता है ज्यादा लूची नाश्ता करता है। कौन फुचका है और कौन लूची है और क्यों? तृणमूल कांग्रेस ही लूची है क्योंकि ज्यादा लोग पसंद करता है। बंगाल का लोग टीएमसी को ज्यादा पसंद करता है इसलिए। और फुचका? फुचका नहीं पसंद करता है, ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो वो क्या बीजेपी का बोलेंगे? हाँ, बीजेपी ऑब्वियसली। लूची बेचने वाले से बात हुई तो पलड़ा लूची का भारी दिखा। लूची बनाने वाले की बात तो आपने सुन ली, अब खाने वालों की बात भी सुन लीजिए और देखिए कि लूची और फुचके के मुकाबले में कौन बढ़त हासिल कर रहा है। टीएमसी लूची है। क्यों ऐसा दादा? लूची अच्छा है, हम लोग का फेमस है, दीदी हम लोग का साथ है, हम लोग ख्याल रखता है तो इसलिए हम लोग को ये अच्छा लगता है। लेकिन अगर चूज करना पड़े फुचका और लूची में तो क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली लूची फेवरेट है मेरा। दोनों ही बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। लूची की बात हो गई तो हम फुचके की दुकान पर पहुंच गए। 11 साल से लालजी यहाँ फुचका बेच रहे हैं। इनके फुचके की रेहड़ी के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। अब इस चुनावी मैदान में लूची और ये जो फुचके हैं उसकी एंट्री हो चुकी है। हालांकि बंगाल के जो लोग हैं वो दोनों ही इस व्यंजन को इतना पसंद करते हैं कि उनके लिए एक चूज करना ये बताना काफी मुश्किल है कि वे लूची के साथ जाना चाहते हैं या फिर फुचके के साथ जाना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि लूची यानी कि तृणमूल कांग्रेस से, और कुछ लोगों का कहना है कि फुचका यानी बीजेपी है। अब तक लोग इनसे फुचके के स्वाद पर बात करते थे, आज हमने लालजी से फुचके के राजनीतिक भविष्य पर सवाल पूछ लिया। फेमस है ये, कलकत्ता का तो फुचके फेमस है ये। तो आपके हिसाब से लोग ज्यादा क्या पसंद करेंगे, लूची या फुचका? फुचका, फुचका ज्यादा। हमने फुचका खाने आए लोगों से भी लूची और फुचके के मुकाबले के बारे में बात की। सवाल किया कि अब लूची और फुचके पर राजनीति हो रही है तो इस चुनाव में फुचका जीतेगा या लूची, सुनिए लोगों ने क्या कहा। फुलको लुची और फुचका बेचते, आप कौन सा चूज करेंगे? फुचका, हमको तो दोनों ही पसंद है लेकिन फुचका जेतु वाटर माउथिंग है उसलिए फुचका ज्यादा अच्छा लगता है। फुचका और लूची में जंग में राजनीति का सवाल भी बेहद जरूरी है, इसलिए हमने लोगों से ये भी पूछ लिया कि चुनाव कौन जीतने वाला है, टीएमसी या बीजेपी। लोगों के पास इसका भी जवाब तैयार था। लूची और फुचका में ये पार्टी पॉलिटिक्स आ गया, यही सुन के हैरान हो रहे हैं। और ये तो अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि जब वोट हो जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा
कौन फुलको लुची है और कौन लुची है। लुची और फुचका का मुकाबला तकरीबन बराबर रहा। सुबह के नाश्ते में लोगों ने लुची को पसंद किया तो शाम के स्नैक्स में फुचके को। हालांकि बंगाल के चुनावी संग्राम में ममता और बीजेपी जैसे एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को लूची सब्जी की तरह खा ही जाएंगे। एकटा देशे स्वराष्ट्र मंत्री मुखे ए जिनिस माना है ना, ये शोभा नहीं देता। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका भाषा में मैं कह रहा हूं। आप मेरे को गाली दे सकते हैं लेकिन आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकता है। यही चीज है, ये आपको वो समझना चाहिए। फुचका खावर क्षमता नहीं, फूल को लुची खावे। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। अब जब चुनाव करीब है तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि फुचके के पानी की तरह विरोधियों के दांत कौन खट्टे करता है, बीजेपी या टीएमसी। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।